खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां बाराबंकी में एक बार फिर रफ्तार का कहर सामने आया है। बहराइच से लखनऊ जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कैसरबाग डिपो की बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री दब गए। यह हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के चलते हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायल 18 यात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कई और यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं बाकी यात्रियों का इलाज स्थानीय CHC में चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि बस कैसरबाग डिपो की थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। आज दिन में करीब 2 बजे रोडवेज की बस जो गोंडा से लखनऊ जा रही थी और ओवरटेकिंग के चक्कर में सामने से आने वाली बस से टकरा गई और टकरा कर घाघरा घाट थाना रामनगर क्षेत्र में पलट गई। पलटने से लगभग 24 व्यक्तियों की को चोटें आई हैं। अस्पताल सबको भेजा गया, तो वहाँ पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। क्रेन मंगा करके बस को सीधा कराया जा रहा है और राहत कार्य बचाव कार्य तत्परता से किया जा रहा है।